हेलो बच्चों, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज की कंप्यूटर टीचर मंजू जिंदल आज आपको टाइपिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ तो उसने कंप्यूटर में सबसे पहले टाइपिंग के बारे में आपको जानना चाहिए। तो टाइपिंग के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ बोर्ड पर दो हाथ बनाए हैं जिससे हम अपनी फिंगर्स को टाइपिंग करते समय प्रयोग में लाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बनाए हैं। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे किन किन कीज का प्रयोग एक ही की फिंगर से किया जाता है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की बात करें, इस फिंगर का प्रयोग किया जाएगा जेड ए क्यू के लिए, और हमारी इस फिंगर का प्रयोग किया जाएगा एक्स एस डब्ल्यू, और नेक्स्ट फिंगर का प्रयोग हमारा सी डी ई के लिए किया जाएगा, और इस फिंगर का प्रयोग हमारा वी बी एफ जी आर टी के लिए किया जाता है। और उसी तरह से हमारी जो राइट हैंड है, राइट हैंड में हमारी इस फिंगर का प्रयोग सेमी कॉलन फुल स्टॉप और पी के लिए किया जाएगा, इस फिंगर का प्रयोग हमारा कॉमा एल और ओ, इस फिंगर से हम आई के और एम प्रेस करेंगे, इस फिंगर का प्रयोग वाई यू एच जे बी एन का प्रयोग करेंगे, और हमारे हैंड्स दोनों हैंड्स के जो थंब है अंगूठे है उसका प्रयोग हम केवल स्पेस देने में करते हैं। तो जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी फिंगर्स इस प्रकार से कार्य करती हैं, एक एक करके हम एक ही फिंगर से सभी कीबोर्ड की को प्रेस नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो जैसे आप इंग्लिश के अल्फाबेट सीखते हैं, छोटे बच्चों को जब इंग्लिश में ए बी सी डी सिखाई जाती है तो उनको ए बी सी डी करके सिखाया जाता है, हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय ए एस डी एफ का प्रयोग किया जाता है, ए एस डी एफ। उसी प्रकार से राइट हैंड से सेमी कॉलन एल के जी, तो इस प्रकार से हम अपने फिंगर्स का प्रयोग करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक लाइन है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटल लेजी डॉग, ये एक ऐसी लाइन है जिसमें इंग्लिश के सभी 26 अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया, एक लाइन में 26 अल्फाबेट्स। जब आपकी टाइपिंग करने का फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, आपकी फिंगर्स कीबोर्ड पे सेट हो जाएंगी, तो आप इन्हें लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। उसके बाद टाइपिंग करते समय कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो फर्स्ट रूल है वो है वन स्पेस आफ्टर वन वर्ड, मतलब कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस छोड़ा जाता है। उसी प्रकार से जब फुल स्टॉप लगाते हैं हम, उसके बाद टू स्पेस छोड़े जाते हैं और कॉमा के बाद वन स्पेस छोड़ा जाता है। तो टाइपिंग करते समय इन दोनों रूल्स का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब आप टाइपिंग करते हैं तो देखते होंगे कि शब्दों के नीचे सेंटेंसेस के नीचे रेड लाइन और ग्रीन लाइन आ जाती है। रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों का अपना एक अलग अलग अर्थ होता है। जब आप किसी वर्ड्स के नीचे, किसी भी शब्दों के नीचे अगर आप रेड लाइन देखते हैं तो रेड लाइन का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक, तो कहीं ना कहीं आपने जो वर्ड्स टाइप किया है उस वर्ड्स में स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, तो आप वहां पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो अपना नाम लिखा है उसके नीचे भी रेड लाइन है, तो बच्चों जितने भी जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं उन्हीं शब्दों को कंप्यूटर पहचानता है, आपका नाम डिक्शनरी में नहीं होता है तो कंप्यूटर उसे नहीं पहचानता है, इसलिए वो रेड लाइन दिखाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डिक्शनरी के शब्दों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंड जो है ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक में है। ग्रामेटिकल मिस्टेक इस प्रकार की होगी जो ग्रामर में मिस्टेक करेंगे कि हमने टेंसेस का सही से प्रयोग किया है कि नहीं किया है, इज एम आर या वाज वर्ब जो है इसका प्रयोग किया है कि नहीं किया, सिंगुलर प्लूरल का सही से प्रयोग हमने किया है या नहीं किया है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम टाइपिंग करते समय स्पेस का प्रयोग भी गलत कर देते हैं, तो वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के अंदर ही आता है। जैसे मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटल लेजी डॉग, टाइपिंग करते समय अगर हमने किसी भी वर्ड्स के बाद दो स्पेस छोड़ दिया है, तीन छोड़ दिया है, तो भी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक शो करेगा, और हमने फुल स्टॉप के बाद अगर स्पेस नहीं छोड़ा है, एक छोड़ा है, तो भी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक देगा। फुल स्टॉप के बाद आप एक से ज्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, तीन चार, तो भी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक देगा। तो ये है आपका टाइपिंग का फॉर्मेट, आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ कर फॉलो करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगली वीडियो, अगला चैप्टर में आपका
नाइन्थ क्लास जो कि एट क्लास में प्रयोग किया जाता है नंबर सिस्टम, एट नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ सब में नंबर सिस्टम का प्रयोग हमारा किया जाता है। तो अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी। कीप वॉचिंग।